नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भाजपा केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भोपाल स्थित बंसल वन प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर महिलाओं के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किससे लड़ रही हैं ये मुझे नहीं मालूम। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता महिलाओं को टंच माल कहते हैं। कांग्रेस उनको संरक्षण देती है जिन पर महिला उत्पीड़न के केस दर्ज हैं। मुरली मोरवाल के बेटे पर महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज है। कांग्रेस पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन कहा। हेमंत कटारे पर रेप के मामले दर्ज हैं। सुनील सराफ और सिद्धार्थ कुशवाहा ट्रेन में महिला के साथ छेड़खानी करते पकड़े गए। वहीं कहा कि नवरात्र के समय पर इन्होंने 9 दिन झूठ बोले हैं। विधवा प्रोत्साहन पर 51,000 देने का वादा, महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए, प्रतिमा 1500 रुपए देने का, आवासहीन ग्रामीण महिलाओं को आवास देंगे, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सभी वर्ग की छात्रा के लिए छात्रावास, महिलाओं के लिए चिकित्सा परामर्श और दवाई फ्री, गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस फ्री, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता निश्चित करेंगे। यह वही कांग्रेस है जिसने कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने जनजाति महिला की 1000 की सहायता को बंद कर दिया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज की जो प्रेस वार्ता है उसमें मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूँ और मेरे मन में बार बार, मैं बिना नाम लिए कहूँ तो बार बार कुछ बिंदु सामने आते हैं और खास तौर पे किस प्रकार के लोगों को प्रियंका जी जो कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मगर वो किससे लड़ रही है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि लड़ाई में महिलाओं का पक्ष जो है वहां कहीं पर अनदेखा किया गया है और उसमें मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। सबसे पहला उदाहरण तो यहाँ पर पूर्व में यहाँ के बड़े नेता जो महिलाओं को टंचमाल कहते हैं वो आज भी पार्टी में है और कन्या पूजन की नौटंकी कुछ लोग करते हैं, उनको टिकट दी जाती है जो कि दुष्कर्म में लिप्त है। ऐसे ही कांग्रेस लगातार भ्रमित कर रही है महिलाओं को मलिन मन से बिना शर्म के, वो लोग उन लोगों को संरक्षण दे रही है जो कि महिला उत्पीड़न में लगातार शामिल है और झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने चुनकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों को टिकट दी। मैं नाम ले दूं? ठीक, आप क्या कहते हैं, नाम ले दूं? अच्छा, बहनों का इशारा इसलिए दे रहे हो तो नहीं, सही में बहनों का इशारा है। मैं नहीं तो मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, मैं इसको जनरलाइज रखना चाहती थी। मुरली मोरवाल जी के बेटे पर महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज है। सोनकच्छ से कांग्रेस के उम्मीदवार सज्जन वर्मा जी ने कहा कि महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है। मुलताई के सुखदेव फांसे ने कहा कि नाचने गाने वाली है। जबलपुर पश्चिम के प्रत्याशी तरुण भनोट ने महिलाओं को बेवकूफ बताया। गंधवानी से प्रत्याशी उमंग सिंघार ने महिला उत्पीड़न करते हुए उनको रंगे हाथ पकड़े गए। अटेर से प्रत्याशी हेमंत कटारे पर रेप का आरोप दर्ज है जिसमें युवती ने आत्महत्या कर ली थी। कोतमा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील सराफ और सतना से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़े गए। श्योपुर के बाबू जंडेल एक महिला पुलिस अधिकारी से फोन पर गाली गलौज कर रहे थे। परसिया से प्रत्याशी सोहन वाल्मीकि के बेटे आदित्य वाल्मीकि लड़की की अश्लील तस्वीरें वायरल करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये लोग अगर महिलाओं के लिए कुछ बात कहते हैं उस पर कोई प्रदेश की महिला या देश की महिला विश्वास करेगी? जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो, जिनका इतिहास इस प्रकार का हो, जो इस तरीके की चीजों में संलिप्त हो, महिलाओं का उनके प्रति क्या विचार होने वाला है? तो वापस ठगी के काम में आ गए हैं और ठग कैसे रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूं। ठग रहे हैं कि इन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं और अपने घोषणा पत्र में खासतौर पर नवरात्रि के समय पर ऐसी घोषणाएं की है कि नवरात्रि पर इन्होंने तय किया कि 9 दिन महिलाओं से झूठ बोलना है और 9 झूठ लगातार बोले हैं। तो जो ये नवरात्रि के उपलक्ष में इन्होंने फिर एक नया घोटाला किया, मैं आपको एक एक घोटाले का डिटेलिंग देना चाहती हूं। पहला झूठ, विधवा प्रोत्साहन हेतु पुनः विवाह पर
1,51,000 रुपए देने का वायदा। भाई साहब 2,00,000 रुपया अभी राज्य की सरकार दे रही है, ये स्कीम लागू है। कांग्रेस महिलाओं को 500 रुपए देगी पर सिलेंडर पर, दूसरा झूठ, क्योंकि इनके टाइम पर तो सिलेंडर ही नहीं मिलते थे। सिलेंडर पर 500 रुपया तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको उदाहरण के साथ बताती हूं। 450 रुपया अभी की सरकार दे रही है, और इन्होंने जो आज भी जो पैसा केंद्र सरकार पैसा लौटा रही है वो इन्हीं का लिया हुआ कर्जा है, गैस और ऑयल के ऊपर, जो आज तक हम लोग लौटा रहे हैं पेट्रोल बॉन्ड के नाम पर। और उस जमाने में मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, यहाँ 2014 के पहले भी यही स्थिति थी कि गैस का कनेक्शन लेने के लिए पूरे देश भर में जितना शहर थे, शहर के बाहर गैस का कनेक्शन नहीं था, 11 से 12 करोड़ मात्र गैस के कनेक्शन थे, और वो 11 से 12 करोड़ कनेक्शन भी शहरों में थे, और एक गैस का कनेक्शन देने के लिए आपको किसी सांसद या मंत्री के हस्ताक्षर चाहिए थे, तब आपको गैस मिलती थी, तब आपको फोन मिलता था, ये हालत थी इस देश की। वो आज महिलाओं से वायदा कर रहे कि हम अब भाजपा आपको 450 दे रही है, हम 500 देंगे। अरे भैया ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारा क्या है? तुमने आज तक महिलाओं को शौचालय नहीं दिए, फ्री में तुम क्या दोगे? जिन्होंने महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं की, लगातार गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उत्पीड़न किए, वो आज धोखा देने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने, तीसरा इन्होंने कहा कि प्रति माह महिलाओं को हम 1,500 रुपया देंगे। तो लाडली बहन योजना के तहत आज हाथ में महिलाओं को 1,250 रुपया मिलता है, और समय के साथ आगे बढ़ाने की जो उसकी प्लानिंग है वो 3,000 रुपए तक की है। तो ये ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम है, तो ये जो 100-250 मतलब 25-50% का लालच देकर लोगों को गुमराह करने का, खासतौर पे महिलाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आवासहीन ग्रामीण महिलाओं को आवास देंगे। अरे भैया प्रधानमंत्री आवास योजना इस देश में चल रही है, और उसमें 1,00,000 के ऊपर का आंकड़ा है जो आवास मिल चुके हैं। आगे आने वाले समय में इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मकान शामिल हैं, 1.5 लाख शहरी, 1.5 लाख ग्रामीण, और 2-2.5 लाख ग्रामीण और 1.5 लाख शहरी जो है वो बनने हैं। आवासहीन महिलाओं को तो ऑलरेडी मकान मिल चुके हैं, जिसमें 52% ग्रामीण क्षेत्र में और 70% शहरों में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना और लाडली बहन योजना में भी आवास का भी निर्धारित किया गया है, पक्के मकानों का। पांचवा झूठ, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। बच्चों को सरकार पहले ही निःशुल्क शिक्षा दे रही है, और साथ में स्कूटी भी उत्साहवर्धन के लिए दे रही है। छठा झूठ, सभी वर्ग की छात्राओं के लिए छात्रावास बनाएंगे। 463 कस्तूरबा गांधी। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।